ऐसे उठा नहीं सकते। ये व्लॉग है पूरा, ये जुगाड़ कर रखा है यहाँ पे, कपड़े मैंने अंदर रस्सी बांध दी। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, पहला का आपका स्वागत है हमारे आज के नए व्लॉग पे। आज है 2 जून और आज से मेरे ऑफिस खुले, क्योंकि हमारे व्लॉग थोड़े लेट चल रहे हैं, लेकिन क्या करें, अब हमको एडिट करने का टाइम ही नहीं मिला जयपुर से आने के बाद। कल तो हम आते ही थक के सो गए थे, खाना भी नहीं खाया, और यहाँ मन का चल रहा है नाश्ते पानी की तैयारी। नाश्ते पानी की तैयारी इसलिए क्योंकि मेरा ऑफिस स्टार्ट है और मनु आज से अकेले रहने वाली, शादी के बाद पहली बार बेचारी अकेले रह गई यार। शादी के बाद से फर्स्ट टाइम ही ऑफिस जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम ऑफिस जा रहे हैं, क्योंकि फिर पहले तो लॉकडाउन ही लग गया था कोविड के बाद, तो तब से आज खुल रहे ऑफिस। कल दीदी कह रही थी शादी के बाद पहली बार ही जा रहा है ना, कहती तो अभी मैं करता हूँ गगरास की तैयारी, पहले गगरास देके आता हूँ, फिर उसके बाद नाश्ता पास्ता करते हैं, नाश्ता पानी करते हैं, उसके बाद निकलते हैं ऑफिस को। जयपुर से अपने लिए चूड़ियाँ लेके आई है। पाँव की चोट कैसी हो रही तुम्हारी अभी? ऐसे उठा नहीं सकते। कल वो टुकटुक वाले की गलती की वजह से हमको भुगतना पड़ा है, इसके यहाँ लगी है, मेरी कमर पे लगी है, अचानक ही मोड़ दी उसने। हम गाड़ी हल्की कर रहे थे और उसने अचानक ही मोड़ दी वहाँ से गाड़ी, मतलब जैसे रोड साइड पे खड़ा था और सीधे मोड़ी, हमारे हैंडल पे लगी, हम दोनों नीचे। अरे मैप ही देखने में लगी थी। तो नाश्ता पानी हो चुका है हमारा, अब चलता हूँ ऑफिस की तरफ, ठीक है, ऑफिस को जा रहा हूँ मैं, बाय। देखो मैंने कहा कि शादी के बाद पहली बार ऑफिस जाएगा, तैयार हो जाती है, ठीक है, चलो ठीक है, बाय बाय, शाम को मिलते हैं, बाय बाय। हो गए रेडी, चलो टाटा, बाय बाय। एग्जाम देने के आज से न्यू जर्नी स्टार्ट ऑफिस की जाने की, वो भी मॉर्निंग मॉर्निंग शिफ्ट। बाय, आता हूँ, आता हूँ। तो यानी कि 2 साल बाद इनका ऑफिस ओपन हुआ है और आज से इनकी बेसिक भी स्टार्ट हो गई है। आज से इनकी डे शिफ्ट भी स्टार्ट हो गई है, तो फिर अब ये तो गए सारा काम मेरा जयपुर से, हम कल ही लौटे शाम को, तो बिल्कुल कुछ भी नहीं किया अभी, सारा सामान यहाँ से लेके किचन से लेके इस रूम से लेके उस रूम तक सब फैला पड़ा हुआ है। तो अब इनको ये करती हूँ थोड़ा थोड़ा करके दिन भर में, पहले तो मन कर सो जाऊँ, ये नींद निकाल लेती हूँ। जय माता दी, मैं सपना शर्मा है ना, उनका दिन मंगा में भी थे ऑफिस में अच्छा से। चलो अब मैं भी सारी दिख लूँगा, लगेगा टाइम, लगेगा महीने भर तो लगेगा समेटने से, मोटने में, उठाने बिछाने में, यूज वाली चीज़ें रखने में, हटाने में, लाइट्स ऑफ कर दूँ। अभी मौसम इतना गंदा हो रहा ना कि अब तो काम करना भी चाहो ना तो भी नहीं कर सकती हूँ। लेके ऑफिस, देन उसके बाद मैंने सोचा कि मैं व्लॉग एडिट कर लेती हूँ, तब तक अभी मैं इतना टाइम हो गया ना, ये व्लॉग है पूरा 47 मतलब 50 मान लो अराउंड, उतना लंबा 50 मिनट्स का, तो फिर मैंने थोड़ा एडिट करते 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 बहुत टाइम लग गया, अभी तक मैं 25-26 से 10 के आसपास में आ चुकी हूँ, एंड अभी भी इसको बहुत बाकी है अभी एडिट करना, और इतनी थकान सी लग रही, इतनी नींद आ रही ना, देखती हूँ अब कुछ कुछ पार्ट ऐसे उड़ाने पड़ेंगे। चलो देखते कब तक अपलोड कर पाती हूँ इसको। दूसरा ही कलर था उसका, ब्लू कलर में, मतलब ब्लू। हेलो, फिलहाल तो मैं हूँ घर पे और पैर की चोट था, मुझे दिक्कत कर रही है, फाइनली बड़े मुश्किल से उठ के मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ धोने वाले कपड़े अलग किए हैं और थोड़ा रूम झाड़ू लगा दिया, जूम पे बस हो गया,
और अभी बर्तन इंतजार कर रहे हैं मेरा वहाँ पे। और एक चीज़ और, ब्लॉग मैंने अपलोड कर लिया है जयपुर का, और थोड़ा ब्लॉग लेट ही आएंगे क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट वाले ब्लॉग में भी कि जयपुर में जो था वो नेटवर्क का बहुत इश्यू हो रहा था, और अगर अपलोड भी कर रहे थे जैसे कुछ भी ब्लॉग अगर हम एडिट कर भी दें तो वो अपलोड होने में ही डेटा पूरा फुस हो जा रहा था उसमें, इसलिए हमारे ब्लॉग थोड़ा लेट हो चुके हैं। और सो आज है सेकेंड डे जैन 2024, और क्या बोलते हैं जिस दिन गए हैं आज ऑफिस वो भी मैंने आपको बता ही दिया था, तो बस थोड़ा बोरियत सी भी हो रही है, और एक तो पैर में चोट लग गई है तो उसके चक्कर में कुछ और काम जल्दी जल्दी कर भी नहीं पा रही, धीरे धीरे लगी पड़ी लंगड़ी की तरह। और बाकी देखती हूँ कि शाम को अगर वो कब तक आते हैं, नहीं तो सब्जी लेने जाना शायद मुझे पड़ेगा ही पड़ेगा, शाम की सब्जियों के रख ले भी और कल से फिर उनके लिए नाश्ता और लंच के लिए भी। आज तो बना नहीं पाई थी क्योंकि कल ट्रैवल से उससे भी थकान लग गई थी बहुत ज़्यादा, ऊपर से पैर की चोट के चक्कर में तो बिल्कुल मैं उठ ही नहीं पाई। तो चलो बाकी काम तो कर लिया, बर्तन भी धो लेती हूँ जल्दी से ताकि शाम के खाने के लिए भी कुछ सब्जियों का इंतजाम किया जाए। फिर बहुत देर में दिख रही होंगी, 8:30 हो गया है, और इसलिए मैं ब्लॉग भी थोड़ा लेट बना रही थी क्योंकि कुछ है ही नहीं घर पर, मैं अकेले ही पड़ी हूँ, तो अभी बस मैं कुछ थोड़ा काम में लगी थी। शाम को पानी नहीं आता है तो रात में अगर पानी आता सुबह उठने तक पानी बंद हो जाता है, गंदा पानी भी आता है बहुत लेट हो जाए तो इसलिए मेरे आधे कपड़े सूखा अपने डाल दिए यहाँ पर ड्राई करके, और आधे कपड़े भी इसमें पड़े हैं जो भी वॉश हो रहे हैं, और बाकी ना जो वॉश हो रहे हैं वो इसमें है और बाकी इसमें ड्राई कर रखे हुए। और इस तरह मेरे बन रहा है खाना, रात के खाने की तैयारी हो रही है, बाहर सबको बहुत शोर आ रहा होगा क्योंकि मैंने विंडो भी अभी यहाँ पर ओपन रखी हुई है ताकि जो भी हवा निकले तो गैस पास उतरे यहाँ से खाने का मतलब। और आटा सब तैयार रख दिया है, और बब्बू का कॉल आ गया था कि वो निकल चुके हैं 8 बजे करीब, 8 बजे के आसपास ही आ गया था, तो देखते हैं कब तक वो भी पहुँचते हैं, तब तक मैं फटाफट खाना रेडी कर देती हूँ, भूख लगी उन्हें, तो चलो सारे काम को आगे को पूरा फिर बात नहीं मिलता है। 9:30 हो गए हैं, अभी आए नहीं है, हमको इंतजार करी, बाकी सब चीज़ रेडी है, बस अब वो आएंगे तो चाय कहेंगे तो चाय बना लेंगे, चाय नहीं कहेंगे तो रोटियाँ सेकनी है मुझे बस, और कपड़े तो धो लिए और ड्राई भी कर लिए, बट बाहर डालने में मुझे ये रिस्क रहता है कि ऊपर से बच्चे ना थूक थाल देते हैं, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, खैर भी तो भी उन्हें फ़र्क तो पड़ना है नहीं, तो इसलिए मैंने अभी एक जुगाड़ किया है, ये देखो ये जुगाड़ कर रखा है यहाँ पे, कपड़े मैंने अंदर रस्सी बांध दी इसमें लटका दिए, अब जितना सूखना होगा वैसे सूखी है, मतलब गीले वैसे है, बट कल एक धूप सिखाऊंगी इनको ताकि ये गंदे भी ना हो, थोड़ा अंदर सूख भी जाए, और ऐसे रख रहे कि बंदे को बदबू नहीं मारे ना, बब्बू का इंतजार कर रही हूँ बैठी हुई, कब आओगे वाला गाना गाऊंगी आप सुनेंगे अभी। चलो मॉस तो गया हूँ क्या थे मैं टोच के सब में, अब कितना टाइम लगेगा खाने में, खुला है रुको मैं उठ रही हूँ, मैंने कहा खुला उठ नहीं पा रहे, आइए पधारिए ओ बब्बू आइए पधारिए ओ बब्बू आइए पधारिए। मेरा तो ऐसी रहा लेटे लेटे, आप बताओ आपका कैसा रहा, कैसा रहा फिर आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन के लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस, पुरानी हो रही कब सी गई हो, अच्छा आप ले आए सब, कैसा लगा ये बताओ, आते किचन में कौन घुसता है अबे, भूख लग गई, मैंने कहा चाय बनाओ या रोटी करके वेट कर रही थी आपका, रोटी बनाओ, तो चलो बब्बू पहुंच गए घर, अब मैं बनाती हूं पता है रोटी सब्जी बोर है, बोर हो गए नींद आई थी मैंने आपसे कहा था कि आप अपने हमसा से पहले कहते थे कि हमें माफ करना, हम अभी नाइट शिफ्ट वाले हैं तो दिन में नहीं कर पाएंगे इतना, ऊपर से नेट को पता नहीं क्या काम लग गया चला ही नहीं आज, चलो फिर वेट थकान लग गई है बहुत ज्यादा, तो चलिए फिर आप भी आ गए और ब्लॉग भी इतने को करते हैं एंड रात से मिलते हैं कल के ब्लॉग 10 बज गए मुझे पता था 10 बज जाएगा आपका, तो आज पूरा दिन ऑफिस में खत्म हो जा रहा है एंड ऑफिस में सुबह उठ जाओ रात को सो, तो मिलते आपसे आने करके नेक्स्ट ब्लॉग पे, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, तब तक के लिए बाय बाय, इससे बढ़िया तो नाइट शिफ्ट थी पूरा टाइम तो मिलता था कम से कम यार।